हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी के कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर सेंट्रल के पास बने हरवंश मोहाल क्षेत्र में आग लगने की बड़ी घटना हुई है। हरवंश मोहाल के गलड़िया मोहाल में गगन प्लाजा अपार्टमेंट में एक बड़े गोदाम में शाम 5 बजे भीषण आग लग गई। अचानक उठी लपटों को देख आसपास के लोग काफी ज्यादा घबरा गए। इस भयावह आग ने चंद मिनटों में अपार्टमेंट सहित दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच राहत की बात यह रही कि घरों में फंसे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आग बुझाने में दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लगी थी। पुलिस के मुताबिक हरवंश मोहाल के गलड़िया मोहाल में बग्गर साहू और अशोक साहू के बोरे का गोदाम है। यह गोदाम काफी बड़ा है और शाम 5 बजे के करीब गोदाम से अचानक आग की लपटें उठने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके चलते बोरों के गोदाम के बगल स्थित गगन प्लाजा अपार्टमेंट के रहने वाले करीब 8 परिवार और आस पड़ोस के करीब आधा दर्जन परिवार अपने अपने घरों में फंस गए। स्थानीय लोगों ने जब आग बढ़ती देखी तो इन लोगों को किसी तरह घरों से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आग कई घरों के अंदर तक पहुंच गई थी जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग बुझाने के प्रयास में कई लोग मामूली रूप से झुलस गए। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर यू न्यूज़।